हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक फंगस के बारे में। आखिर ब्लैक फंगस फैलता कैसे है, कौन सी जगह पर ब्लैक फंगस पाया जाता है, उसके बचाव में कौन से तरीके हमें अपनाने चाहिए और उसके लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, जिससे हमें पता चले कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लैक फंगस पाया गया है। और ब्लैक फंगस होने के बाद डॉक्टर्स हमें कौन कौन से टेस्ट कराने को कहते हैं और उसके इलाज में कौन सी दवाइयाँ दी जाती है, सब कुछ कवर करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मैं उदरज पंचाल, ट्रिक्स ऑन स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। ब्लैक फंगस यानी ब्लैक फंगस को म्यूकोर माइकोसिस भी कहा जाता है, यह इसका नाम पूछा ही जाएगा। ये नाम एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है, तो याद कर लीजिए कि आप ब्लैक फंगस को म्यूकोर माइकोसिस भी कहा जाता है। दोस्तों पहले इसकी छोटी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि आखिर ये ब्लैक फंगस आया कहाँ से। तो दोस्तों एक बात बता दूं कि ब्लैक फंगस हमारे एटमॉस्फियर में पहले से था ही। जी हाँ, ब्लैक फंगस पहले से ही हमारे एटमॉस्फियर में था, मगर अब कुछ सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो चुकी है, डिफरेंट सिचुएशन है जिसकी वजह से ब्लैक फंगस सबको हो रहा है। क्योंकि कोविड पॉजिटिव के वजह से जिन लोगों को कोरोना हुआ है, कोविड-19 है, उन लोगों का जो बॉडी मेंटेन होता है, इम्यून सिस्टम होता है, वो बहुत ही लो हो चुका है। उसी वजह से ब्लैक फंगस हमारे बॉडी पे हावी हो रहा है। मगर जिनका इम्यून सिस्टम मजबूत है, उन्हें ब्लैक फंगस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। हमें ऐसा लग रहा होगा कि अगर ब्लैक फंगस पहले से ही हमारे एटमॉस्फेयर में था, तो पहले क्यों नहीं हो रहा था, पहले ऐसे केसेस क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि पहले सबका इम्यून सिस्टम अच्छा खासा था। इस वजह से ज़्यादा मात्रा में ये हावी नहीं हो सकता था, हमारा इम्यून सिस्टम इससे लड़ सकता था। मगर कोविड पॉजिटिव होने के बाद इम्यून सिस्टम इतना डाउन हो जाता है कि ब्लैक फंगस से भी लड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। तो ये है मेन रीज़न। इसके इफेक्ट्स क्या है कि किन लोगों को ब्लैक फंगस हो सकता है, तो सबसे पहला मेन रीज़न है कि लो इम्यून सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो ब्लैक फंगस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा पॉइंट है एडमिट इन आईसीयू। जिन लोगों को आईसीयू में एडमिट किया गया है और उन्हें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दिया जाता है, तो उन्हें भी ब्लैक फंगस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हम एटमॉस्फियर से जो ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन एकदम साफ सुथरा होता है, मगर ये आर्टिफिशियल ऑक्सीजन होता है, वो थोड़ा नम जैसा होता है। इसी वजह से ब्लैक फंगस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और ये ब्लैक फंगस जो होता है, वो नम एटमॉस्फियर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगर आपके घर में भी नम एटमॉस्फियर रहता है, तो थोड़ा बहुत साफ सुथरा रखने की कोशिश कीजिए। तीसरा पॉइंट है, अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है, मधुमेह है, तो भी ब्लैक फंगस होने के चांसेस ज़्यादा है। चौथा पॉइंट है हाई स्टेरॉइड। जी हाँ, डॉक्टर्स की सलाह लिए बिना हाई स्टेरॉइड मत लीजिएगा। हाई स्टेरॉइड लेने से ब्लैक फंगस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत केसेस देखे गए हैं। फिफ्थ पॉइंट है स्टाल फूड। बासी खाना खाने से भी ब्लैक फंगस हो सकता है, तो बासी खाना खाने से टालिए उसे। इनमें से सबसे ज़्यादा ब्लैक फंगस के अगर केसेस पाए गए हैं, तो पहला ये रीज़न है मेन, लो इम्यून सिस्टम की वजह से ब्लैक फंगस सबसे ज़्यादा हो रहा है। दूसरा पॉइंट है हाई स्टेरॉइड की वजह से और आर्टिफिशियल ऑक्सीजन। ये थ्री पॉइंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा ब्लैक फंगस के केसेस पाए गए हैं। सिक्स्थ पॉइंट है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स की वजह से, एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से भी ब्लैक फंगस हो सकता है। सेवन्थ है जिंक। जिंक कोविड-19 पेशेंट के लिए बहुत ही असरकारक दवाई मानी गई है, मगर ब्लैक फंगस को ये निहोता देती है अपने शरीर में आने के लिए, तो जिंक की वजह से भी ब्लैक फंगस हो सकता है। एक पॉइंट है स्टीम। स्टीम लेने की वजह से भी ब्लैक फंगस हो सकता है। स्टीम भी एक ऐसी चीज़ है जो कोविड-19 में बहुत ही असरकारक हुई है, पूरे विश्व ने ये स्टीम वाली प्रोसेस को अपनाया है, मगर ब्लैक फंगस के लिए ये निहोता देने वाली चीज़ हो जाती है। क्योंकि स्टीम एक ऐसी चीज़ है जिससे क्या होता है कि हमारे नोज के अंदर जो कुछ भी थोड़ा बहुत होता है, वो सब क्या होता है, हम सांस लेते हैं तो खींच के सब कुछ हमारे बॉडी के अंदर ले जाता है, इसीलिए ब्लैक फंगस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
इसके सिम्टम्स क्या है, कौन से लक्षण है जिससे पता चलेगा कि ब्लैक फंगस हुआ है। तो पेन इन चेक्स, गालों में दर्द होना शुरू कर दे तो समझ लेना कि ब्लैक फंगस होना शुरू हो चुका है। दूसरा पॉइंट है नॉज ऑफ, नाक बंद हो जाना, जैसे सर्दी जैसा फील होने लगता है। तीसरा है हेडेक, सिर में दर्द होना शुरू कर दे तो भी उसके लक्षण माने गए हैं। ब्लड इन द नोज, नाक से अगर खून निकलना शुरू कर दे तो भी मान लेना कि ब्लैक फंगस होना शुरू हो चुका है। सबसे पहले ये एंटर कहाँ से करता है, तो दो ही मेन पॉइंट है उसके एंटर करने के। सबसे पहले वो नोज से एंटर करना शुरू करता है, अगर आप एटमोसफियर से आपके बॉडी में आता है तो वो नोज से आता है, नाक से आता है, और अगर आप कोई बासी खाना खाते हैं तो वो सीधा आपके पेट में चला जा सकता है। ये दो ही उसके एंट्री पॉइंट्स है, इसके अलावा वो हमारे बॉडी में एंटर नहीं कर सकता है। ब्लड विजन, धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, ऐसा कुछ ब्लड विजन आपको दिखना शुरू हो जाए तो वो भी ब्लैक फंगस के ही सिम्टम्स है। डबल विजन, ऐसे दोहरा दिखना शुरू हो जाए तो वो आपके नंबर भी हो सकते हैं और ब्लैक फंगस के भी रीजन हो सकते हैं। उसकी ट्रीटमेंट क्या है, अगर ब्लैक फंगस हो चुका है तो उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, या तो उससे बचने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, उससे बचने के लिए सबसे पहला तरीका है कि मास्क पहने बिना बाहर ना जाए। दूसरा तरीका, नम जगहों से दूर रहे, डैम्प प्लेसेस से दूर रहे। मैंने पहले ही कहा, अगर आपके घर में भी ऐसी नम जगह बन जाती है तो उसे साफ सुथरा रखने की कोशिश करें, वहां पे फूग वगैरह जमा ना होने दे। तीसरा है शुगर कंट्रोल, अगर आपको शुगर है तो उसे कंट्रोल कीजिए, अगर नहीं है फिर भी उसे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, शुगर हो सके उतनी कम मात्रा में यूज कीजिए। चौथा है, अगर उसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाए तो सर्जरी करके यूज किया जा सकता है। आपने सुना ही होगा कि बॉडी से कुछ पार्ट्स निकाल लिए जाते हैं, इसीलिए निकाल लिए जाते हैं क्योंकि वो पार्ट्स निकालने से वो बॉडी के अंदर ज्यादा फैलता नहीं है और जान बचाई जा सकती है। चौथा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंटी फंगल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, और वो कौन सा इंजेक्शन है, एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन दिया जाता है। ये इंजेक्शन का नाम याद रखना, जरूर पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन। सारे के सारे फंगल इन्फेक्शन में इसी इंजेक्शन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है, चाहे वो ब्लैक फंगस हो, व्हाइट फंगस हो, येलो फंगस हो, हाल ही में एक नया फंगस भी आया है ग्रीन फंगस, तो उस सब के लिए एक ही मेन इसी इंजेक्शन, एंटी फंगल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। हो जाने के बाद डॉक्टर कौन से टेस्ट फिर करवाने को बोलते हैं, तो सीबीसी टेस्ट, किडनी टेस्ट, स्वैब टेस्ट, सीटी स्कैन, ब्लड प्रेशर टेस्ट, नसल एंडोस्कोपी, एमआरआई, कॉन्ट्रास्ट एनहांस, इतने सारे टेस्ट डॉक्टर एक ही साथ करवाने को बोलते हैं। तो दोस्तों, ये था ब्लैक फंगस का पूरा डिटेल्ड वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।